गुड मॉर्निंग। अगर आज के न्यूज़ की बात करें तो कल पार्लियामेंट में बहुत सारा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा चल रहा था, जिसके अंदर हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे थे। तो राहुल गांधी ने बोलते बोलते राफेल के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बोले जिसके कारण संसद ने बोला कि हम इनके खिलाफ़ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे। कल ही हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर देखा था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में देखा था, स्थगन प्रस्ताव के बारे में बोला देखा था। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, तो कल भी बोला था, जब जब कोई व्यक्ति गलत तथ्य उपयोग करता है, मतलब गलत डाटा यूज़ करता है, तो उसके खिलाफ लाया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि न्यूज़ में आया है। दूसरा टर्म हमारा गया था कि 10th ब्रिक्स समिट होने वाला है साउथ अफ्रीका में। 10th ब्रिक्स समिट होने वाला है साउथ अफ्रीका में, ये जोहानसबर्ग में होने वाला है, वहाँ का एक सिटी है जोहानसबर्ग। 2017 का हमारा हुआ था चाइना में, आप लोगों को याद होगा, जियामिन डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। और ये सारे के सारे ब्रिक्स के कंट्री के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर हैं G20 के भी, ये भी ध्यान रखना। सामयिकी के अंदर देखते हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहा है। डिजिटल इंडिया एक बदलाव का कार्यक्रम है, डिजिटल इंडिया एक बदलाव का कार्यक्रम है, बिल्कुल अच्छा लाइन सटीक बैठता है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम इंसान को मजबूत करता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम इंसान को मजबूत करता है। 130 करोड़ के हिंदुस्तान में, 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 121 करोड़ मोबाइल लोगों के पास है, और 121 के पास 121 करोड़ के पास आधार कार्ड डाटा है। जाहिर सा बात है कि इसको आगे बढ़ाने में, डिजिटल को आगे बढ़ाने में ये बहुत बड़ा योगदान दे रही है। राजीव गांधी ने जब उस समय 90 के आसपास, 89-90 के आसपास हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने दिल्ली से कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और आम जनता तक, गरीबों तक 15 पैसा पहुँचता है। इसी का प्रारूप है, इसको सही ढंग से उपयोग करने के लिए डिजिटल इंडिया का उपयोग किया जा रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन में आजकल हम लोग हॉस्पिटल जाने की, हम लोगों को कोई भी नंबर लगाना होता है, कुछ भी करना, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ऐप खोलते हैं या फिर मोबाइल पे वेबसाइट खोलते हैं और इजिली कर लेते हैं, और डेट आ जाता है, टाइमिंग आ जाता है, हम लोग पहुंच जाते हैं। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, जैसे एक्सरे मशीन वगैरह, इनमें भी अच्छा उपयोग डिजिटल का हो रहा है। 113 करोड़ लोगों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड हो चुके हैं, जिससे किसान लोग जो है सो मतलब अपना मिट्टी का जांच पता कर लेते हैं, कहाँ क्या होना चाहिए, कैसी मिट्टी, कैसा कंपोस्ट यूज़ करें, इन सब का उनको पता चलता है। ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, पहले वीज़ा बनाने के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, आजकल 19-20 लाख वीज़ाएँ आसानी से बन जाती हैं। ये उमंग ऐप, ये 2016-17 में एक न्यूज़ में आया था, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इसको, उमंग ऐप। ये पूछा भी जा सकता है, ये उमंग ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की जितनी भी ऐप है ना, उनमें सारे के सारे को आप उमंग डाउनलोड करोगे, कभी डाल करके देखना, तो सारे ऐप एक ही, जैसे आधार कार्ड हो गया, चाहे गवर्नमेंट का जितना भी है, वो सारा का सारा ऐप एक साथ आ जाएगा। इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर बनाया गया, कॉमन सर्विस सेंटर मतलब यहाँ पर जो है सो लोग, जैसे बिजली बिल जमा करना, चाहे आधार कार्ड बनवाना, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं जरूरत की, छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर से बनाया। यह भी डिजिटलाइजेशन का एक पार्ट है। बीपीओ, बीपीओ उस दिन पहले अगर आपको ध्यान हो तो देखते हो कि बड़े बड़े शहरों में जैसे नोएडा वगैरह, दिल्ली वगैरह, बॉम्बे वगैरह में होते थे, लेकिन आजकल बिहार तक, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर के छोटे छोटे गाँव में भी देखने को मिल रहा है। तो छोटे लोगों, गाँव के लोगों को रोजगार मिलता है इससे। 2014-15 में डिजिटल इंडिया डॉक्यूमेंट लेकर आया था, 2014-15 में हमारी गवर्नमेंट ने इसको लेकर के आया था। ये सारी बातें थी। आज विशेष के अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन दो दो वीक पहले कुछ टर्म आया था वर्चुअल इंडिया के अंदर, वर्चुअल इंडिया आईडी के बारे में। तो वर्चुअल आईडी होता क्या है, ये आधार कार्ड के ही तरह होता है। पहली बात तो आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है, तो ये 12 डिजिट का होता है, और ये वर्चुअल आईडी जो है, ये वर्चुअल आईडी हो जाएगा 16 डिजिट का। ये लाया क्यों गया है, क्योंकि बहुत सारे PIL गए गो सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारी बातें हुई, तो जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा था। KYC के लिए अब आधार संख्या नहीं देना होगा, 16 अंकों का होगा, या 16 अंक का होगा वर्चुअल आईडी, मतलब आप UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाएंगे, और वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे, और उसके बाद OTP आएगा, फिर OTP डालेंगे तो एक आधार नंबर जनरेट होगा, वो आप उसको देंगे, तो फिर वो कंपनी जो है उसको अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू वहाँ से वेरीफाई वो करके दे देगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहले आधार व फिंगरप्रिंट देने के बाद हमारी सारी सूचना कंपनी को मिल जाती थी, और यही शुरू होती थी यहीं से शुरू होती थी डाटा के दुरुपयोग की आशंका। यहीं से कंपनी वाले क्या करते थे, डाटा ले लेते थे, उसका गलत उपयोग करते थे। कई बार जनरेट की जा सकती है, वन टाइम नहीं है,
अगर मान लो एक बार में आपको दिल नहीं कर रहा, एक बार मतलब कहीं दिया, तो फिर दूसरा टाइम जो जनरेट होगा, लेकिन हर बार जो जनरेट होगा उसकी डिजिटल संख्या, डिजिट संख्या अलग हो जाएगी। ये एक एल्गोरिथम है एक्चुअल में। लास्ट का जो 4-5 डिजिट होता है वो आधार संख्या के को मिला करके काम करता है। 2010 में आधार कार्ड बनने की शुरुआत हुई थी, 2010 में। उस टाइम ये स्टेचुरी बॉडी नहीं था, लेकिन 2016 में इसको स्टेचुरी बॉडी बना दिया गया, सांविधिक दर्जा दे दिया गया। ये आधार कार्ड मेटी के अंदर आता है। मेटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पूछता है, पूछ लेता है कभी कभार कि आधार किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के न्यूज़ में बस इतना ही था। थैंक यू।